हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे कुछ फेवरेट स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये है मेरे रीसेंट फेवरेट, और इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे को लगा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत टाइम से कोई ऐसा हॉल नहीं गया था जिसमें अपने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट या स्किन केयर प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ उनकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फेवरेट फाउंडेशन से। तो जो फाउंडेशन है ये मैं अराउंड 4 ईयर्स से यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये है फाउंडेशन। ये है मेरा फेवरेट फाउंडेशन, ये है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये है इन शेड 230 नेचुरल बफ एंड इसमें SPF आपको मिलेगा 22, साथ में ये है मैट प्लस पोरलेस। मेबलिन की जो फिट मी रेंज है ये काफी अच्छी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी रहेगी। अगर आपको एकदम क्लीन बेस चाहिए तो बहुत अच्छी है। ये है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। और साथ में पता है इस रेंज की एक अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको बहुत सारे स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कलर चूज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। फिट मी की रेंज में है इसका कंसीलर। तो ये जो कंसीलर है ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई कंसीलर देखना है जो आपके मैक्सिमम स्पॉट को कवर कर दे, एट द सेम टाइम आपकी स्किन पे केकी ना लगे, क्योंकि कंसीलर मैक्सिमम केकी लगने लगते हैं, तो ना लगे तो आपके लिए काफी अच्छा है। मैं शेड हमेशा इसकी मीडियम मंगवाती हूँ। इसकी एक शेड आती है फेयर, तो उसकी एक शेड आती है लाइट या फेयर, जो इससे थोड़ी ऊपर है 25 मीडियम है। तो वो जब मैं यूज करती हूँ ना तो वो हाईलाइटिंग के लिए अच्छी है कि आप फाउंडेशन के ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आप अंडर आई सर्कल छुपा रहे हैं तो आप पहले इसे अप्लाई कर लीजिए एंड देन अप्लाई योर फाउंडेशन। तो बहुत ही अच्छे से आपके जो डार्क सर्कल्स हैं या पिगमेंटेशन है या स्पॉट्स है बहुत इजीली कवर कर देता है। और ये जो है ना शेड मीडियम मैं इसलिए मंगवाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लगने लगता है आपको जैसे आप हाईलाइटिंग करते हो। तो इससे ना हाईलाइटिंग और आपके जो फीचर्स हैं अगर आपको उन्हें हाईलाइटेड करना है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये है सेकेंड जो कि है मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड मीडियम। उसके बाद हम लोग बेस मेकअप की ही बात कर रहे हैं तो मैं कैसे भूल सकती हूँ अपनी फेवरेट फेवरेट क्रीम, और ये है पॉन्ड्स की बीबी प्लस क्रीम। ये जो शेड है इसकी ये है लाइट एंड इंस्टा स्पॉट कवरेज लाइट मेकअप ग्लो। तो इसके साथ क्या होता है एक चीज बताती हूँ। अगर आप ये क्रीम यूज कर रहे हैं इसके नीचे एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करिए, ऑटोमेटिकली जो आपकी स्किन है उसमें एक अच्छा सा हाईलाइट लाइक ग्लो आ जाता है। तो अगर आप कोई अच्छी सी बीबी क्रीम देख रहे हैं, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे फाउंडेशन कंसीलर नहीं लगा पाते, और अगर हम डे टाइम पे कहीं जा रहे हैं तो इट्स ऑलवेज गुड या तो आप बीबी या आप सीसी क्रीम लगा के जाएं, तो वो काफ़ी लाइट भी रहती है स्किन पे और नेचुरल भी लगती है। तो अगर आप कोई अच्छी सी क्रीम देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और साथ में इसमें SPF 30 PA ट्रिपल प्लस है। तो ये जितने प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ उनमें सन प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये है मेरा थर्ड फेवरेट फॉर बेस मेकअप, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और डेली यूज के हिसाब से बहुत अच्छा है। उसके बाद आते हैं हम लोग मस्कारा पे। तो ये मस्कारा है, ये जो मस्कारा है ये है मेबलिन हाइपर कर्ल। इसमें वाटर प्रूफ आता है और एक बिना वाटर प्रूफ वाला आता है। वाटर प्रूफ मैं यूज करती हूँ, उसके पीछे मेन रीजन ये है कि मेरे जो आई लैशेज है वो काफी छोटी है, इजिली कर्ल नहीं होती है। तो अगर आपकी आई लैशेज मेरी तरफ ज़्यादा घनी नहीं है तो उन्हें घना करने के लिए वाटरप्रूफ सही रहता है। अगर मैं 3 कोट अप्लाई करती हूँ तो वो थोड़ी हैवी भी लगती है एंड देन दे कर्ल भी लगती है वो। तो ये वाला जो है ये मुझे बहुत पसंद है। इसी का एक येलो आता है मेबलिन का, वो भी बहुत अच्छा है अगर आप कुछ देख रहे हैं अच्छे में और किफ़ायती दाम में। जितनी भी चीज़ें हैं ना ये बहुत ही ईजिली आपको अंडर 500 रुपीज मिल जाएंगी। उसके बाद आते हैं हम एलोवेरा जेल पे। अब मुझे ना ये है प्लम का बी गुड एलोवेरा जेल। थोड़ा सा आपको लगेगा कि एलोवेरा जेल के हिसाब से प्राइसी है, पर ये जो है ना इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। मुझे मैं इसको इसके टेक्सचर के कारण ही मंगवाती हूँ। जैसे आपको बाल स्ट्रेट करने हैं या हेयर मास्क में यूज करना है या स्किन में भी यूज करना है तो ये थोड़ा सा ना लिक्विडी फॉर्म में आता है। ये देखिए ये थिक थिक नहीं है इतना, ये और काफी लिक्विडी फॉर्म में आता है। तो ये मेरा सेकेंड पैक है, इससे पहले मैं एक पैक यूज कर चुकी हूँ। तो जब भी मेरे हेयर थोड़े से ड्राई लगते हैं ना तो मैं अपने हेयर पे अप्लाई कर लेती हूँ। स्ट्रेटनिंग के टाइम पे भी आप अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यू कैन गो विद एलोवेरा जेल। स्किन के लिए, हेयर के लिए ये काफी अच्छा एलोवेरा जेल है। तो स्किन केयर के लिए मैंने अपने लिए ये एक मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश मंगवाया है। इसका मेरे पास एक टी ट्री फेस वॉश भी है
और पता है मुझे ये वाला जो फेस वॉश है इसकी पैकेजिंग जो है, स्पेशली पैकेजिंग, प्लस जो विटामिन सी के फेस वॉश रहते हैं ना, वो काफी अच्छे रहते हैं फॉर योर स्किन। इसमें साथ में ना टर्मरिक भी है, तो आपकी स्किन पे ग्लो भी रहेगा, और जैसे टैन वगैरह ठंड में काफी ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए भी काफी अच्छा रहेगा। तो मैंने ये एक विटामिन सी का फेस वॉश मंगवाया है। पहले इसकी पैकेजिंग अलग थी, इस बार ये अच्छी पैकेजिंग में है। ये सेम जो ये मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स है ना, उनकी पैकेजिंग थोड़ी चेंज हुई है, लाइक ये पंप पैकेजिंग में, और ये काफी अच्छा है। उसके बाद ये मैंने एक बाय बाय ब्लेमिशेस मामा अर्थ की क्रीम है, अब इसकी पैकेजिंग भी अलग थी, ये भी दूसरी पैकेजिंग में आया है। मेरे पास इसकी एक और बॉटल भी है जो थोड़ी सी हैवी मोटी बॉटल है। तो मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी थोड़ी पिगमेंटेशन है, ये जो मेरा गाल है ना यहाँ पे, तो ये जो है ये मैं रात में जो अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करती हूँ उसमें मॉइस्चराइजर से पहले मैं ये लगा लेती हूँ, लाइक अपनी जो नाइट क्रीम है उससे पहले मैं ये लगा लेती हूँ। इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी आपके दागों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, और आपके जैसे मैंने आपको बताया आपकी स्किन के ग्लो के लिए, एंड साथ में जो अभी ठंड आ रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्किन का जो कलर है वो डल हो जाता है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने ये कि मामा अर्थ की जो है विटामिन बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम मंगवाई है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, इजिली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है। तो एक ये मेरी करंट फेवरेट है, प्लस ये मैंने अभी नया पैक मंगवाया इसको, मैंने आपको बताया ओल्ड पैक थोड़ा डिफरेंट था। उसके बाद फिर मैंने ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड पील ऑफ चारकोल मास्क बना मंगवाया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा वो नहीं है, पर इसका जो थोड़ा सा टेक्सचर है ना वो लाइट में, जैसे जब आप पील ऑफ मास्क लगाते हैं देन वो थोड़ा डार्क आता है ऑन योर स्किन, ये थोड़ा सा आपकी स्किन पे लाइट रहेगा, लाइक कलर थोड़ा इसका लाइट है, ठीक है, और कम पेन करता है, कुछ काफी पेनफुल होते हैं कुछ कम पेनफुल रहते हैं। उसके बाद मैंने ये बेटेस्ट, आई डोंट नो इसको इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं या नहीं करते, ये एक मैंने ड्राई शैम्पू मंगवाया है इन चेरी। इसका मैंने एक बड़ा भी यूज़ किया था, पर मैंने अभी एक ट्रैवल फ्रेंडली पैक जो है इसका यूज़ करूंगी मैं, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, बाल है ना वो ऑयली हो जाते हैं, और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप अपने हेयर वॉश कर लें, एंड विद बेबी मेरे लिए थोड़ा हेयर वॉश करना डिफिकल्ट हो जाता है, और बालों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है सूखने में। मैं हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बाल वैसे ही इतने डैमेज हैं वो नहीं। तो ये ड्राई शैम्पू काफ़ी ज़्यादा लाइक आपके उस टाइम पर लाइफ सेवर की तरह काम करता है, तो ड्राई शैम्पू आपके पास एक होना ही चाहिए। तो ये ड्राई शैम्पू है, ये स्कैल्प के लिए सही रहता है। ये एक ट्रेवल फ्रेंडली बॉटल है, ये 299 रुपीज़ की है, अगर आप कुछ देख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये है एक ड्राई शैम्पू जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये है एक सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन इस टाइम पे काफ़ी ज़रूरी है, और मैं ट्रैवलिंग पे भी जा रही हूँ तो उसके लिए भी। तो ये SPF 50 है, तो SPF 50 PA++ इसमें है। ये है मामा अर्थ की अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद कैरेट सीड एंड टर्मरिक फॉर सन प्रोटेक्शन। तो एक मैंने ये वाली क्रीम भी मंगवा ली है, काफ़ी लाइट वेट सनस्क्रीन है ये, आपकी स्किन पे एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करती है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको मॉइस्चराइजर आपको लगाना है, आप स्किप भी कर सकते हो, तो आप फाउंडेशन से पहले इसको अप्लाई कर लीजिए, तो काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन जो है वो सन प्रोटेक्टेड रहेगी, और इस टाइम पे काफ़ी ज़रूरत है सनस्क्रीन की। उसके बाद फिर मेरा ये है एक बहुत ही फेवरेट अफोर्डेबल की रेंज में फेवरेट काजल है, ये एलिटीन का काजल। अगर आप कुछ अफोर्डेबल देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा हाई रेंज में देख रहे हैं लाइक 400 समथिंग, तो काजल के लिए इतने ही काफ़ी रहते हैं, लाइक 400 का काजल भी आप सोचते हो ना यार 400 रुपये का काजल। तो मैं प्लम का यूज़ करती हूँ, प्लम का काजल, अगर आप कुछ डार्क में देख रहे हैं एंड लाइक वेरी वेरी सॉलिड समथिंग कि आपकी आई से थोड़ा भी टच से मस ना हो, तो प्लम बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ कम रेंज में देख रहे हैं तो ये आपको डबल ट्रिपल पैक में मिल जाएंगे। तो ये जो है ये है एलेटीन का, ये भी ना स्मज ज़्यादा नहीं होता है, लाइक स्मज प्रूफ काजल है, अफोर्डेबल की रेंज में काफ़ी अच्छा काजल है, बोल्ड है, ब्लैक है, अपने हिसाब से आप इसे वो कर सकते हो, साथ में थोड़ा सा आप इसमें ना ब्लैक आई शेडो पैक कर दीजिए तो काजल है वो बहुत टाइम तक आपकी आईज पे बना रहता है। तो एक ये वाला काजल है जो मैंने मंगवाया है। उसके बाद ना मैं आपको ये वाली पैलेट दिखाने वाली हूँ, ये पैलेट मैंने आपको पहले भी दिखाई है, और ये जो पैलेट है ये काफ़ी अच्छी है। तो जब भी मैं ब्लॉग में ना इस पैलेट को यूज़ करती हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपका लिप शेड कौन सा है क्या है, और मैं अक्सर नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि क्या होता है मैं जब ये पैलेट यूज़ करती हूँ ना तो जैसे ये शेड लगाई फिर मैंने उसके ऊपर ये टॉप कर दी, या कभी मैंने ये वाइट शेड लगाई तो उसके ऊपर मरून टॉप कर दिया, तो दो शेड की टॉपिंग के साथ जो है वो अलग शेड बन जाती है एंड देन मैं आपको बता नहीं पाती। तो ये स्विस ब्यूटी की ऑल अबाउट लिप्स पैलेट है, बहुत अच्छी है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट लिप पैलेट में से एक है।
अफोर्डेबल है, ओनली 349 रुपीज़ है। साथ में आपको इसमें ना डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो 300 के अराउंड आपको ये लिप किट मिल जाएगी अगर आप देख रहे हैं ट्रैवल फ्रेंडली स्पेशली। फटाफट निकाला इसमें सारे के सारे मरून पिंक, ठीक है, लाइट पिंक रेड, सारे के सारे कलर जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। तो ये एक पैलेट है जो कि मेरी रीसेंट करंट फेवरेट है, ये मैं 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये मेरे को लगा आप लोग के साथ दोबारा शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं। तो मैक्सिमम जैसे ब्लॉग में जब भी स्टार्ट करती हूँ तो मैं 2 कलर लगाए फटाफट मिक्स कर दिया, बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है। तो ये लिप पैलेट आप ले सकते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे लिपस्टिक आप एक साथ कैरी करते हैं, आप कन्फ्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी पैलेट एंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। उसके बाद एक और ये बहुत अच्छी चीज़ है फॉर ट्रैवलिंग पर्पज़, ये जो है ना इसमें आपको जेल आईलाइनर भी मिल जाएगा और साथ में आपको आईब्रो फिलिंग के लिए मिल जाएगा। 24 आवर्स स्विस ब्यूटी की बहुत ही अफोर्डेबल ये रेंज है इसकी। तो इसमें ना ये देखिए यहाँ पे आपको टॉप में मिल जाता है, इससे आप इवन स्मोकी आईज भी कर सकते हो, ठीक है, और आईब्रो फिल कर सकते हो। इन शेड हल्का सा ग्रेश कलर है इसका, और ग्रे कलर इज़ वेरी गुड अगर आप आईब्रो के लिए, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। ब्राउन थोड़ा लाइट हो जाता है, ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है लाइक क्रूसिंग वाली जाके, तो उससे बचने के लिए। और साथ में आपको इसमें ब्रश भी मिल जाएगा, और ये जो है नीचे आपको मिल जाता है ये जेल लाइनर। तो एक ये मैंने मंगवा लिया था, और पता है बहुत अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगी ये हॉल वीडियो, प्लस साथ में ये कुछ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आया है तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।